हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गुजरात राज्य में स्थित नर्मदा ज़िला के बारे में। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, नर्मदा ज़िला, यह ज़िला भारत देश के गुजरात राज्य में स्थित गुजरात के कुल 33 जिलों में से एक नर्मदा ज़िला के नाम से जाना जाता है। नर्मदा ज़िला भारत देश के पश्चिम भाग की ओर बसा हुआ है, जिस वजह से इस ज़िले की सीमा महाराष्ट्र राज्य से मिलती है। नर्मदा ज़िले का हेडक्वार्टर ऑफिस राजपिपला शहर में मौजूद है। नर्मदा ज़िला के पड़ोसी ज़िले का नाम सूरत ज़िला, भरूच ज़िला और बड़ोदरा ज़िला है। नर्मदा ज़िला में 13 कॉलेज, एक बिजली घर, 6 मुख्य सरकारी अस्पताल और एक नगर पालिका शामिल है। आबादी की बात करें तो नर्मदा ज़िले का कुल आबादी 5,90,297 है। इस ज़िले का औसत लिंगानुपात 960 के करीब है, यानी कि यहाँ पर 1000 पुरुष पर 960 महिला हैं। नर्मदा ज़िला के मुख्य नदी का नाम नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के किनारे पर बसा यह ज़िला गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 221 किलोमीटर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से 384 किलोमीटर, राजस्थान की राजधानी जयपुर से 821 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 1090 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। नर्मदा ज़िला का वाहन पंजीकरण संख्या GJ22 है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे रेलवे स्टेशन है जहां पर लोग आ जा सकते हैं। यहां के मुख्य रेलवे स्टेशन में राजपिपला रेलवे स्टेशन, होशंगाबाद रेलवे स्टेशन, गौरीघाट रेलवे स्टेशन, भरूच जंक्शन आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं। वैसे इस ज़िले का मुख्य रेलवे स्टेशन राजपिपला रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन में एक प्लेटफॉर्म व दो पटरी शामिल है और इसका स्टेशन कोड RAJ है। और यह रेलवे स्टेशन वेस्टर्न रेलवे जोन के वडोदरा डिवीजन के अंतर्गत आता है। शिक्षा की बात करें तो इस ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहाँ के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वैसे इस ज़िला के कुछ महत्वपूर्ण स्कूलों में शुमार नर्मदा कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, नर्मदा कॉलेज ऑफ कंप्यूटर, श्री नर्मदा कॉलेज, करमत ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, हवाबाग कॉलेज, माँ नर्मदा एकेडमी, ये जितने भी स्कूल व कॉलेज हैं सभी नर्मदा ज़िला में ही मौजूद है, जो कि यहाँ के बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ने में अपना योगदान देते रहते हैं। अस्पताल की बात करें तो नर्मदा ज़िला के मुख्य अस्पतालों में ऐसे बहुत अच्छे अच्छे अस्पताल हैं जो कि अपनी सेवा देते रहते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि नर्मदा ज़िला में कुल 6 मुख्य सरकारी अस्पताल हैं। इसके अलावा कुछ प्राइवेट अस्पताल भी है जिनके नाम नर्मदा नगर हॉस्पिटल, रेवा डेंटल क्लिनिक, सरदा हॉस्पिटल, श्रुति हॉस्पिटल, मालवी हॉस्पिटल, अग्रवाल डेंटल क्लिनिक आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं, जो कि यहाँ पर लोग आकर अपना स्वास्थ्य के लिए दवाइयाँ और उपचार कराते हैं। पर्यटन स्थल की बात करें तो यह ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। यहाँ पर कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ पर पर्यटक घूमकर आनंद उठा सकते हैं। यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में शुमार निनाई वाटरफॉल, हरसिद्धि माता मंदिर, देव मोगरा मंदिर, नीलकंठ धाम, जरवानी वाटरफॉल, जूना राज, कजन डैम, सरदार सरोवर डैम आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ हैं, जहाँ पर लोग जाकर घूमते रहते हैं। दोस्तों,
आपको नर्मदा ज़िला के बारे में यह जानकारी कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, वीडियोस पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।